हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बाय एच क्लास ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी अच्छा अभी जाता रहेगा। तो जैसा आपको पता है, नेक्स्ट पेपर मैथ है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेल्थ कॉमर्स साइंस और आर्ट्स का, वो मैं छोटे छोटे वीडियो में बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो ये आर्ट्स और साइंस वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार नंबर के लिए इंटीग्रेशन का थियरम। ये तीनों थियरम आपको हलवा बन जाएगा, तीनों थ्योरम एक एक छोटे छोटे वीडियो बना के दे दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, चार बार आ चुका है वीडियो, क्या है ये थ्योरम, क्या है देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चलो तो बेटा, अब देखो यहाँ पे बस आपको एक चीज आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी। आता है? हाँ सर आता है। चलो तो क्या करेंगे, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ कुछ नहीं बेटा, तो वहाँ ही वन लिख सकता हूँ, इंटू में वन लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते, तो बस यही आना चाहिए, इंटू वन। तो यू इंटू वी बन गया, अब ख़त्म कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी क्या होता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरीवेटिव ऑफ u into integration of v whole dx। चलो इतना समझा, u integration of v minus integration of u into integration of v into dx। चलो तो ये तो ऐसे रहने वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो वन अपॉन टू रूट, सच में एक्स है क्या? नहीं सर। तो इसका क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव लेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव लोगे, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स। ठीक है, इतना समझ गया। हाँ अब देखिए, इंटू वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो टू टू कैंसिल हो गया, टू टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स मल्टीप्लाई में आगे लिख दो क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब कर लेंगे, इसके बाद भी आप लोग कर लोगे, हलवा हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आपको इसको देखना है, ये लाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस कर दिया और देखो माइनस भी कर दिया, मतलब कुछ किया क्या, नहीं, आगे से दिया पीछे से लिया, मतलब कुछ नहीं किया, समझा? हाँ सर। चलो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको एक टर्म मानो, इसको एक टर्म मानो। अब देखो बेटा, जैसे x है तो इसको मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हो। वैसे जैसे ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो ये चीज़ अभी आपको समझना पड़ेगा। चलो तो बेटा यहाँ देखिए, एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, इसी चीज़ को इसके भी अपॉन में जाएगा, इसके भी अपॉन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों को डिनोमिनेटर दे दिया। अब देखो ये चीज़ आपको ऐसा कंसिडर करना है, मतलब ऊपर कितने टाइम आएगा, दो टाइम, तो एक बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग दो बार ऐसे ले सकते हैं, राइट? तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब दोनों को इंटीग्रेशन दे दो, यहाँ पे एक टाइम बचेगा ऊपर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों को देखो, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट में बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो ए स्क्वायर अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट, देखो
इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये i नहीं है क्या, यहाँ सोचेंगे सर वन नहीं तो वन तो होता ही है, ये i बन गया, क्या बन गया i, तो यहाँ दिख रहा है बेटा, ये नहीं दिख रहा है, ओके ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे। चलो तो बेटा अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये क्या बन गया i, क्या बन गया i, तो क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई, ये क्या बन गया माइनस आई प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो क्या बन गया ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी वन, क्या ले लिया मैं सी वन, ठीक है। चल अब यहाँ देखो बेटा, ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आई, तो आई आई टू आई, ठीक है, तो क्या बचा एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी वन। अब यहाँ टू मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में, देयर फोर आई इक्वल्स टू सबको डिवाइड हो जाएगा एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इधर क्या हो जाएगा सी वन बाई टू, तो हम लोग सी वन बाई टू को क्या लेंगे कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेंगे, सी ले लेंगे, देयर फोर आई इक्वल्स टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, अगर समझ आया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हों सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें, ऐसे आपको और सारे वीडियो मिलते रहेंगे, सारे वीडियो आप देखिए फटाफट, छोटे 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 ड्यूरेशन में डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, जो कि आपको सब पता चल जाए। तो इसके अलावा दो थियरम और है वो भी इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपको करके जाना है, ये तीनों में से कोई एक आ सकता है, ये नहीं आए तो क्या आ सकते हैं, जो स्पेशल फंक्शन के मैंने ऑलरेडी करा के रखे हैं दो नंबर के लिए वो भी आ सकते हैं, और डेरिवेटिव के दोनों आपको थ्योरम करके जाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।